वेलकम, ये है गैबिलोनियन का राज्य। एक जमाने में इसे बहादुर नाइट्स का राज्य कहा जाता था, पर अब नहीं। जब से नाइट्स को इस राज्य से निकाला गया और कानून के अफसरों ने उनकी जगह ले ली, यहाँ हर रोज नए कानून बनने लगे हैं। आज से सड़कों पर चिल्लाना गैर कानूनी है। ये ब्रेड पत्थर जैसी है। ब्रेड पत्थर जैसी है? आप कहना क्या चाहते हो? ये बासी है। बासी ब्रेड? और क्या, तुम्हारे सिर जैसी। जैसे तुम्हारा सर। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। चलते रहो, रुकना मना है। इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। ये जूते नहीं चलेंगे, गैर कानूनी है। ऑफिसर सुनिए तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं। लाइसेंस और गाड़ी के कागज। सब कुछ अजीब हो गया है। पर मुझे नहीं पता म्याऊ को डॉक्टर का सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। माफ करना मिस, हमें इस बिल्ली को कैद करना होगा। तुम ब्रेड के नाम पर पत्थर बेचते हो। मिस्टर निकेशिया, एक मिनट। ये लो तुम्हारी बिल्ली। क्या उन्होंने तुम्हारा पता पूछा? पर मुझे मेरा पता नहीं पता। ठीक है, तो चलो भागो यहाँ से। ये मेरा घर है जहाँ मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ, और वो इस राज्य के बहुत बड़े लॉयर हैं। कुछ दिनों में लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए मेरा एक बड़ा एग्जाम है, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। पर बात यह है वो पहली बार किसी ड्रैगन का सामना कर रहा था, पर इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सामने था द ड्राफ्ट, 3 सिरों वाला ड्रैगन। अगर वैलोर के नाइट्स में से कोई भी उसका सामना कर सकते थे तो वो थे सर रोलैंड, यानी मेरे ग्रैंडपा। जस्टिन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। चलो उठ जाओ, आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है। बिल्कुल डैड। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारे लिए आया है, वो तुम्हें अपने लॉ स्कूल बुला रहे हैं। पर बिना एंट्रेंस एग्जाम के? मेरे बेटे के लिए नहीं। लॉ स्कूल तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार समय होगा, पूरी तरह जीना। वहाँ से कई महान लॉयर्स पास हुए हैं। खुला आसमान, तारों के नीचे पढ़ना, और जल्दी ही तुम्हारी डिग्री भी मेरी डिग्री के बगल में रखी होगी। पर डैड, मैं सोच रहा था इस साल अगर शुरुआत ना करूँ तो। पर क्यों? क्योंकि मुझे लॉयर नहीं बनना है। फिलहाल लॉयर तुम्हें बनना ही है। डैड, मुझे नहीं लगता लॉ स्कूल मेरे लिए सही है। तो क्या सही है तुम्हारे लिए? मैं सोच रहा था कि मैं एक नाइट बनूं। बैठ जाओ जस्टिन। नाइट बनना अब गैर कानूनी है। नाइट बनने का मतलब है मुजरिम बनना, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर ये कानून बदलना चाहिए। क्या? नहीं बेटा, नाइट्स अब नहीं है क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। तुम वकील बनकर ही लोगों की नजरों में महान बन सकते हो। तलवारबाजी सीख कर कुछ नहीं होने वाला। ग्रैंडपा ने इस राज्य को बचाया था। जस्टिन, मेरे डैड का इससे कोई लेना देना नहीं। और आपको भी बचाया था सर रोलैंड। चुप रहो, दोबारा अपने दादाजी का जिक्र भी मत करना, वरना मैं तुम्हें। पर आपके डैड नाइट बनकर खुश थे। तुम लॉ स्कूल जा रहे हो और ये बात तय है। जस्टिन, मेरे बच्चे, क्या हुआ? मैं उस घर में नहीं रहूंगा। डैड ने फिर कुछ कहा? कुछ खाओगे? जस्टिन, मुझे भी उनकी याद आती है। काश मैं उन्हें और जान पाता। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अच्छे वकील नहीं बन सकते। तुम सच्चे हो और तुमसे झूठ बोला नहीं जाता। और लॉयर की विक्स तुम पर अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं जाना, पर नहीं गया तो डैड को बहुत दुख होगा।
मैं क्या करूं? मेरे साथ आओ। तुम इसे पहले भी हजार बार देख चुके हो, पर इसे देखकर आज भी तुम्हारे चेहरे पर वही चमक आ जाती है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ध्यान से देखो। तुम्हें लगता है कि इसमें किसी चीज की कमी है? नहीं, क्या कमी है इसमें? इंस्पिरेशन की। आज तो इंस्पिरेशन मिलने से रही। तुम्हें हुआ क्या है? थोड़ा ध्यान दो। सब तो ठीक है। ध्यान से देखो जस्टिन, उनकी तलवार नकली है, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? जब तुम छोटे थे तब तुम उसे इमेजिन कर लेते थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो। वाकई डैड तो मुझे आज भी बच्चा ही समझते हैं। मुझे लॉयर नहीं बनना, पर मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। एक दिन जब रेजिनल्ड छोटा था, उसने तुम्हारे ग्रैंडपा से कहा, डैड जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो कानून बनाता है, क्योंकि दुनिया बिना नियमों के नहीं चल सकती। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो बन सकते हो। और उन्होंने रेजिनल्ड को गले लगा लिया। पता है तुम्हारे ग्रैंडपा जब नाइट बने थे तब महाराज ने क्या कहा था? ये तलवार अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमेशा अपना दिल साफ रखना, इसे कभी बुराई के लिए या गुस्से में इस्तेमाल मत करना, और हमेशा मासूम और हमेशा मासूमों की रक्षा करना। थैंक्स। तो तुम भी अगर एक नाइट बनना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत है एक मकसद की। मकसद है तलवार ढूंढकर उसे अपने घर ले आना। बहुत खूब, तुम्हें ये टावर ऑफ विजडम तक ले जानी होगी। उन्हें बताओ कि तुम कौन हो, ये चाबी उन्हें दे देना, वो तुम्हें नाइट बनने की ट्रेनिंग देंगे। पर वो टावर है कहाँ? उसे ढूंढना तुम्हारी पहली चुनौती है, पर तुम्हें ये जल्दी करना होगा। हमारा राज्य दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, जल्द ही जिन्हें निकाला है वो वापस आ जाएंगे, और उन्हें रुकने वाला कोई नहीं है। आखिर मैं घर लौट आया। काफी अरसे से प्रैक्टिस छूटी हुई है। आप कैसी हैं महारानी? मैं हमेशा से आपका वफादार था, कभी निराश नहीं किया, पर आपने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ दो दस्तखतों से आपने और उस वकील ने मिलकर हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। अब इतने सालों की कैद के बाद मुझे उन्हीं से हाथ मिलाना पड़ेगा जिनसे लड़ने की मैं कसमें खाता था, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अब कोई चारा नहीं सिवाय बदला लेने के। अब तुम दोनों को मरना होगा। सच में सर एच, यहाँ काम वाली बाई भी मिलना मुश्किल है। खैर इसमें कुछ बात तो है। सबसे जरूरी चीज है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ओ, खजाना भी है, मुकुट अच्छा है। ये क्या पहना है तुमने? ओ, आपने नोटिस किया? ये मैंने खुद डिजाइन किया है। सोल्जर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े खराब होने चाहिए। पावर और स्टाइल। हमें एक सेना चाहिए, और ये आराम का वक्त नहीं। तुम्हें और तुम्हारे बुद्धू भाइयों को आज रात बहुत काम करना है। आज रात? ये कैसा लग रहा है? ये काफी अच्छा है ना मेरी कमिंग ऑफ एज पार्टी के लिए? हाँ, तुम एक प्रिंसेस दिख रही हो। ना, मेरी ड्रेस होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। दूर दूर के राज्यों से लोग आने वाले हैं। सेबास्टियन, प्लीज कुछ ऐसा ले आओ जिसे लोग देखकर पागल हो जाएं। लारा, तुम तो जानती हो मैं किंडरगार्टन से ही नाइट बनना चाहता था। ये तो पर दादों के जमाने का है। हाँ, कह सकती हो, वो मैं थोड़ा पुराने ख्यालों का हूँ, पर अब मेरे पास एक मौका है जो सपने को हकीकत में बदल सकता है। एक और बात, किसी को बताना मत, मैं अब से तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आ पाऊँगा। क्या तुम पागल हो? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, और ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ कभी वापस ना आऊँ। तुम
मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तहखाने में कैद हो सकता हूँ या हो सकता है सामना किसी आग उगलने वाले ड्रैगन से। ये है बिल्कुल हॉट। हाँ, सुना है उसका सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खतरों से दोस्ती करनी होगी और मेरे साथ होगी सिर्फ तुम्हारी यादें। अब ये क्या है? ओह हाँ बिल्कुल, एक नाइट के पास हमेशा लड़ते वक्त उसके प्यार की निशानी होती है, एक मोजा। खैर इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा और एक दिन इसके साथ वापस आऊंगा। क्या वो घोंचू अभी तक यहीं पर है? सॉरी जस्टिन, अब मुझे कुछ और कपड़े ट्राई करने हैं तो तुम बाहर जाओ। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अब तभी वापस आऊंगा जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, वो भी एक नाइट बनके। ये मेरा वादा है तुमसे। अभी अभी हुआ क्या सेबास्टियन? मास्टर जस्टिन आपका मोजा ले गए हैं प्यार की निशानी समझकर। अच्छी बात है। देखो मेरा मेकअप खराब हो रहा है। वापस करो मुझे। घोड़े हो या गधे, वापस दो मुझे। क्या बात है? घोड़े को काबू में रखो। समझदार घोड़े हो। और यहाँ चलने वाली हवा की वजह से तुम चेक करो 15 डिग्री साउथ बाय साउथ वेस्ट। मेरा मतलब है तो प्लान कुछ ऐसा है, जब हम पहले ग्रुप को आजाद करेंगे कोपिस तुम और मैं। मैंने कितनी बार कहा है इतना सोड़ा मत पिया करो। मैंने नहीं, ये इसने किया। हाँ हम है फोर फैंटास्टिक। ओके कुछ करके दिखाने का वक्त। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? टाइमिंग अच्छी थी भैया, मजा आ गया। जल्दी चलो स्किपर। मुझे योद्धा चाहिए, असली मार। आपको लड़ना होगा और बदले में मिलेगी आजादी और ढेर सारा सोना। सबको बाहर निकालो। ओके ये बस मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर्दे लगा दे तो इस कमरे में रौनक आ जाएगी और थोड़े फूल भी, फूलों से जेल भी सुंदर लगने लगेगा। क्या ख्याल है? घुस बैठिए।
द ब्रोकन ईगल, ये घर है लेजेंड्स, एडवेंचर और बढ़िया बर्गर का। वेलकम टू द ब्रोकन ईगल, जहाँ से शुरुआत होती है महान सफर की। तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे? ये जगह तो ऐसी नहीं थी। मेरे आने से पहले तो ये ऐसी ही थी। तुम ऑर्डर करना चाहते हो या नहीं? ये जादुई जगह हुआ करती थी। एडवेंचर पर जाने से पहले नाइट्स यहीं मिला करते थे। वो अभी भी मिलते हैं। एक बार मेन्यू पर तो नजर डालो। हमारा फ्राइड चिकन बर्गर किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और यहाँ के कबाब खाना जान की बाजी लगाने की बराबर ही तो है। मेरा नाम है जस्टिन। जस्टिन, तुम्हारा नाम बहुत बोरिंग है। दरअसल मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे विजिट मिलेगा। फ्राइज की भी उम्मीद थी क्या? मेरा बर्गर कहाँ पर है? अगर तुम यूं ही चिल्लाते रहे तो तुम्हें कोई बर्गर नहीं मिलेगा, समझे? हम कस्टमर से प्यार करते हैं। आ गई मुसीबत। और कैसी हो? हमारे बाउंसर से मिलो। हमारी टीम कहाँ है? देख नहीं रहा, मैं यहाँ कस्टमर के साथ बिजी हूँ। तुम्हें यहाँ सुरक्षा के लिए रखा है, पीने के लिए नहीं। होती कौन हो हमें समझाने वाली? क्योंकि यहाँ मैं ही हूँ जो समझदार हूँ। क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? मेरे होते हुए कोई किसी लड़की के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकता। ठीक है। ये क्या? तुम अपने बराबर वाले से क्यों नहीं लड़ते? तुम अब आप, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। ये तो गया काम से। कैसे हो? तुम डरना मत। खाना चाहते हो तो ले लो। यहाँ क्या हो रहा है? वो दरअसल बॉस, माफ करना बॉस। ये दोनों डांस खेल रहे थे ताकि तय कर पाए कि आज बाथरूम कौन साफ करेगा, और दोनों ही हार गए। ओह क्या बात है, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। काम से इतनी लगन, चलो अच्छा ही है, तुम बाकी काम करोगे तो मेरे पैसे बच जाएंगे। सोच रहा हूँ इस बार तुम्हारी तनख्वाह दे। यहाँ काम करना आसान नहीं लगता। शुक्रिया। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम टालिया है। अगली बार ये खिलौने वाला आर्मर बदल देना। हे, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये देख रहे हो, ये सर रोलैंड का चिन्ह है। प्लीज वो मुझे वापस दे दो। ये लग तो असली रहा है। इसे देखो, इसके पत्ते बाईं ओर झुके हैं। नकली होता तो दाईं ओर झुके होते। वाओ, इसका ख्याल रखना। इतना तो कोई नहीं जानता है। सर रोलैंड ने 16 ड्रैगन्स को हराया था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। कुछ लोग 15 कहते हैं, पर वो दो सिरों वाले ड्रैगन को भूल रहे हैं। वो चाहे जैसा हो, ड्रैगन तो ड्रैगन ही है ना? हाँ, मैं भी सबसे यही कहता हूँ। तो तुम किसी एडवेंचर पर जा रहे हो? मैं टावर ऑफ विजडम ढूंढ रहा हूँ ताकि नाइट बन सकूँ और सर रोलैंड की तलवार को वापस घर ले जाऊँ। तुम सच में ऐसा करने वाले हो? इसीलिए यहाँ आया हूँ, विजर्ड की तलाश में। विजर्ड का तो पता नहीं, पर हमारे पास ये है। टाटा, मेल्कियाडिस। ठीक है, बात करने में क्या हर्ज है? ओए, मेरे लिए एक ड्रिंक ले, और इस बार मुझे ड्रिंक पर फ्रॉग भी चाहिए, समझ गई ना? ठीक है बॉस। हेलो हेलो अजनबी, अंधेरे की शक्ति तुम्हारे साथ रहे। मेरा नाम जस्टिन है। रुक जाओ, कुछ मत कहना। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारा नाम है जस्टिन। हाँ, वो तो मैंने ही आपको बताया। और आप मेल्कियाडिस? नहीं,
मेरा नाम है गरोलियस, अंधेरों की शक्तियों का देवता। एक मिनट रुको, मुझे एक शक्तिशाली महक आ रही है। ये तुमसे आ रही है? शायद मुझे से आ रही हूँ। नहीं, तुम्हारा ऑरा बहुत शक्तिशाली है। दरअसल मैं एक पता जानना चाहता हूँ, टावर ऑफ विजडम का। मुझे दुनिया की सारी जादुई जगहों का पता है। इस राज्य के सारे जादुई जीवों को मैं जानता हूँ, पर इस जगह को मैं नहीं जानता। हा? लेकिन एक इंसान बता सकता है, मेल्कियाडिस। बस मेरा नाम लो और मैं हाजिर। माफ करना, ये फोन कॉल बहुत जरूरी है। हाँ ओके, हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। समझ गया ना, बाय बाय। करोलिस कह रहा था तुम टावर ऑफ विजडम की तलाश में हो, और उसका पता जानते हो कहाँ है? यहाँ है, यहीं कहीं है। हा? पर फिफ्थ सीयर के जादुई प्राणी मुझे बताएंगे कि इस जानकारी को तुम तक कैसे पहुँचाना है। सिल्वर कोड के जरिए। कौन सा कोड? ये वाला, इस प्लाज्मा राजमा डाजमा लाइन के जरिए मैं ये जानकारी तुम तक पहुंचा दूंगा। आप किसी और विजिट को जानते हैं? हाँ, क्रोलिस, पर ओ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ। मुझे मेरी ड्रिंक मिलेगी या नहीं? लीजिए बॉस, एक्स्ट्रा फ्रॉथ के साथ। पुराने तरीके पसंद है तो तुम्हारे लिए एक मैप बना देता हूँ। वो चलेगा। पहले काली घाटी, इसके बाद बूढ़ी गाय, फिर नीला पानी, उसको पार करते हुए तुम जंगल में चले जाना। बस इस लाइन को पकड़ते चलना, ये मोटी वाली। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए, न कि करोलियस के पास। उसे कुछ नहीं आता, वो बेकार है। मैंने सुना तुमने क्या कहा, हिम्मत है तो दोबारा कहो। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें बुद्धू? हिम्मत है तो बाहर आकर दोबारा ये कह के देखो। मैं जितनी बार चाहूं कह सका बुद्धू 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 बुद्धू। बाहर चलो अबे। तो रास्ता मिला या निराशा? शायद दोनों ही, सच में। पर इससे शुरुआत तो हो ही सकती है। मजाक अच्छा है। ऑल द बेस्ट स्ट्रगलिंग हीरो, अपनी कहानी बताने के लिए वापस जरूर आना। बिल्कुल आऊंगा। आप जैसा कहें महारानी जी। लेले, आप कितने दिनों बाद आई हैं? महारानी, इस महल में पहले खुशियां गूंजा करती थी। हम यहाँ हमारे हीरोज की जीत का जश्न मनाया करते थे। सुना है दुश्मन कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, पहले सिर्फ सोना चुराते थे, अब वो जेल तोड़कर मुजरिमों को आजाद कर रहे हैं। खबर है कि वो एक सेना बना रहे हैं। बिना नाइट्स के हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लिली, लगता है मुझसे गलती हो गई। वाह, जरा देखो तो, कौन हो तुम? मैंने आज तक कभी इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा है। क्या, एक मिनट, मजा आ गया। वाह, अप्सरा, तुम मेरी तलाश में आई हो क्या? लगता है शर्मा गए। रेजिनल्ड ने मुझे बताया कि जस्टिन खो गया है। वो खोया नहीं है, पर पूछने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा आपके परिवार के बारे में सोचती हूँ। रोलैंड के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उनके कुर्बानियों को मैं नहीं भूल सकती। और इस राज्य के लोगों को भी मत भूलिए, यहाँ कोई खुश नहीं है। उन्हें अपने हीरोज की जरूरत है, वो जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। वो दिन वापस लाने होंगे जब ड्रिंक्स बढ़ती थी उनकी जीत की खुशी में, और लड़कियाँ नाइट्स को पसंद किया करती थी। मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी है जो नाइट्स पर जान ना छिड़कती हो। ड्रिंक्स, लड़कियाँ। ओ बॉय, इस बॉडी और इस हैंडसम चेहरे के साथ लड़कियाँ।
वाह, द टावर ऑफ विजडम, विजर्ड काम आ ही गया। वहां तक कैसे पहुंचूं? रास्ता भटक गए? नहीं नहीं, मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने आया हूँ। किसकी? घंटी बजाने की? हाँ? नहीं, मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। सुनकर अच्छा लगा। और मेरे पास एक चीज है, यहीं पर तो थी, ये रही। तो तुम सर रोलंड के बेटे हो? नहीं, मैं उनका पोता हूँ। आ जाओ नौजवान, नाव पर सवार हो जाओ। आप कब से चप्पू चलाने का काम कर रहे हैं? क्या मैं चप्पू चलाने वाला लगता हूँ? सर, वो आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। नहीं, हो शांत हो जाओ। वो आ गया, मैंने कहा था ना, मेरा नाम है ब्रोलियो और तुम यहाँ हो। हेलो, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग ली। बहुत खूब, इतने सालों से कोई स्टूडेंट नहीं आया था, इसलिए हम उम्मीद खो बैठे थे। ऐसे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है ब्रोलियो, आप चुप हो जाओ। और ये है महान सर ब्लूचा। क्या सर ब्लूचा? मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम सच में मुझे जानते हो या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हो? नहीं, मैं आपको जानता हूँ, टेल्स ऑफ द नाइट्स ऑफ वैलर में मैंने आपके बारे में पढ़ा है। पर हम क्या बच्चे, पर आप असल जिंदगी में काफी छोटे हैं। इस उम्र में सच्चाई, तुम्हारी शुरुआत काफी अच्छी है। आओ तुम्हें बताता हूँ ब्रावलियो क्या करता है। यहाँ तुम्हें एक खेल देखने को मिलेगा जो दूर पूरब में रहने वाले हमारे भाइयों के साथ हम खेलते आ रहे हैं। वाह, कुछ छूना मत। हाँ देखो, वो रही, चार पीढ़ियों से ये खेल चला आ रहा है, यानी 450 सालों से। उन्होंने कई महीने सोचने के बाद ये चाल चलने का सोचा है। ओहो, ये कितनी बकवास चाल है। अब उनकी हार पक्की। अब देखना, बेवकूफ लोग। उन्होंने मेरे ड्रैगन को मार दिया। अभी मैं उन्हें मजा चखाता हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगा। जस्टिन, घंटी बजाओ और लेगन को यहाँ पर बुलाओ। ठीक है। Yeah!
ब्राउलियो, ये इन्हें क्या हो गया? जल्दी लेगेंटियर को बुलाओ। उन्हें क्या बोलूं? कहना इन्हें दोबारा दौड़ा पड़ा है। जल्दी इतना शोर क्यों मचा रहे थे ब्राउलियो? ओह ये तो जादू है। यहाँ से चलो जस्टिन, उन्हें अब आराम की जरूरत है। ठीक है, मैं तुमसे बूढ़ा हूँ और लंबाई भी कम है, ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो हमला करो। हड्डियाँ चरमरा गई, जाहिर सी बात है कि मेरी जवानी के दिन काफी पीछे रह गए, लेकिन चलो दिखाओ अपना दम। ठीक है, अगर वार करना नहीं चाहते तो तलवार मत उठाओ, इससे दुश्मन को मौका मिल जाएगा। आओ। अब थके तो नहीं? थकान और मुझे, युद्ध में दुश्मन की परवाह नहीं करते। अपनी तलवार उठाओ और हमला करो। तुम भले ही जवान हो लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। अगर पैतरा सही नहीं जानते तो कोशिश मत करो। और याद रखो कि वार कहीं भी हो सकता है। क्या बात है, योद्धा कवच के मोहताज नहीं होते, उनकी तलवार ही उनकी पहचान होती है। तुम फिर से हार गए बच्चे, कोई बात नहीं, कल एक नया दिन होगा। जाओ और जाके नहाओ, हार की बदबू आ रही है। कल रात मेरी नींद बार बार खुल रही थी। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है। नहीं, मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं। वो बहुत छोटा है, ये खतरनाक है। इस बच्चे में अपने दादा वाले जिद भरी है, इसी बात का तो मुझे डर है। माफ कर दीजिए सर, मैं कहीं फंस गया था। बाजार में लोगों से बात करने में और नई फैशन देखने में बड़ा मजा आता है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ आपकी सेना। इन्हें तुम सेना कहते हो? सुनो, तुम सब मुजरिम हो। मुजरिम क्योंकि बेहुदा कानूनों का साथ देने वाले लोगों ने तुम्हारा ये नाम रखा है, पर मैं कहता हूँ तुम वो नहीं हो। साथ मिलकर हम दिखा सकते हैं कि वो कितने कमजोर हैं, कि उनके बेहुदा कानून कुछ नहीं है हमारी तलवारों के सामने। वो हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने तुम्हें बेवजह सलाखों के पीछे रखा है अपने किए की सजा भुगतेंगे। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें लड़ना सिखा कर बना दूंगा खूंखार योद्धा। मेरे साथ चलो और तुम सब नए राज में इज्जत पा सकते हो और तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। मुझे और आदमी चाहिए। और आदमी चाहिए क्या? जेल में कई लोग थे सर। तो और लोग ढूंढो। हे अप्सरा, क्या तुम मेरी तलाश में हो? क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे यहाँ के मालिक से बात करनी है। मुझे भी, 2 महीनों से तनख्वाह जो नहीं दी। मिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप किसी तरह की मुसीबत में हैं क्या? ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिससे मैं खुद नहीं निपट सकती। हमारे फैंसी ड्रेस में हिस्सा जरूर लेना, प्राइजेस अच्छा है। मुझे शाही कमरा दी। ओ हाँ, शाही कमरा महाशय के लिए। आपका नाम?
Hey, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आज हम मुसीबत में हैं। रुको, ये अन्याय है। मोहतरमा डरिए मत, मैं आ गया हूँ। इसी बात का तो डर है, मुझे नीचे उतारो और दोबारा मत छूना। और शुक्रिया, उन टिश्यूज से मेरी जान जा सकती थी। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ? गांव वालों, शहरवासियों, नौजवानों और हसीन लड़कियों, सभी यहाँ आओ और ध्यान से सुनो। मैं हूँ सर फ्लोरेक्स, रखवाला हूँ अनाथ बच्चों का और मुसीबत में फंसी खूबसूरत लड़कियों का, जैसे कि ये। और मैंने इस शहर में रुककर इसकी शान बढ़ाने का फैसला किया है। मेरे आने से लोग चैन से जी पाएंगे, क्योंकि उनका साथ देंगे मेरे जबरदस्त डोले। मेरा कमाल के आखिरकार एक योद्धा आया। मुझे बेहद खुशी है इस महान शहर में रहने की, जो मेरी वजह से और महान बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक शानदार बॉडी और एक बहुत ही हैंडसम शक्ल। मैं अपनी काबिलियत से और मेरे सच्चाई से भरे दिल के साथ साथ दूंगा सच्चाई का और न्याय का। खुद का ध्यान रखना चाहिए। और तुम जाओ यहाँ से। पर मैंने तो जाओ। उड़ो उड़ो। हाय मेल, अब बस करो। पता नहीं जस्टिन कैसा होगा और क्या कर रहा होगा। वो ठीक है। तुम्हें कैसे पता? तुम उसके साथ ताल से ताल मिला रहे हो क्या? वो ठीक है, क्योंकि तुम अब तक उसके बारे में सोच रही हो, इसलिए। कोशिश अच्छी थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसे जस्टिन पसंद है। वाह, चलो किसी बात पर तो हम सहमत हैं। मैंने ये धुन पहले भी सुनी है। जब मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी माँ मेरे लिए गाती थी। शायद मेरे ग्रैंडपा ने उन्हें ये सिखाई थी। अब तुम्हारी माँ कहाँ है? जब मैं छोटा था वो चल बसी। ओ, मुझे सुनकर दुख हुआ। तब तो तुम्हें अपने पिता से काफी लगाव होगा। आज जो ब्रावलियों के साथ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफी मत मांगो, बस अपनी गलतियों से सीखो। पर आखिर उन्हें तकलीफ क्या है? उसके एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा वैसा नहीं था जैसी उसे उम्मीद थी, और तब से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर इंसान के दो रूप होते हैं। क्या मैं नाइट की ट्रेनिंग में खरा उतर पाऊंगा? सच कहूँ तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, पर अच्छा है कि तुम शक करते हो। अगर नहीं करते तो मुझे डर लगता। आज तक मैं नाइट बनने के बस सपने ही देख रहा था। पता नहीं मैं बहादुर हूँ भी या नहीं। अपने पिता के खिलाफ जाकर यहाँ आना इस बात का सबूत है कि तुम्हें अपने आप पर यकीन है, और ये निशानी है एक बहादुर मर्द की। आप बच्चा कहने वाले थे ना? कहने तो वाला था। मैं खुश हूँ कि आपने नहीं कहा।
अगली चुनौती। मेरे साथ आओ बच्चे, आज हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहता हूं कि तुम इस खास जगह को जरूर देखो, और अब जो तुम देखने वाले हो उसे बहुत कम ने देखा है। आ जाओ। हाँ? स्वागत है हॉल ऑफ हीरोज में। The Knights of Valor। बिल्कुल, यहाँ हर एक बहादुर है और एक से बढ़कर एक। ये सब बहादुरी की काबिलियत और मिसालें हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सर ग्रुवा, सर एक्लिफ, सर ब्लैक डॉल्फिन, और यहाँ कौन थे? कोई ऐसा जिसने इनके बीच अपनी जगह गंवा दी। सर हरैक्लियो, तुम्हारे दादाजी का हत्यारा। उन्हीं की वजह से डैड को नाइट से नफरत है। लगता है तुम हकीकत से वाकिफ नहीं। क्या हुआ था मुझे किसी ने नहीं बताया। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चलो मेरे साथ। ये रहे वेलोर के आखिरी नाइट, मेरे अजीज दोस्त सर रोलैंड, तुम्हारे दादाजी। राज्य में इनसे महान नाइट आज तक कोई नहीं बना। जस्टिन, तुम्हारे पास वो चाबी है जो तुम्हारी दादी ने दी थी? कहाँ है वो चाबी? हाँ, ये रही। उनकी तलवार कहाँ है? आखिर कहाँ गई वो? तुम्हारी खोज अब शुरू होने वाली है। आप जानते हो कहाँ है, है ना? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची कहानी तुम्हारे दादाजी और उनकी तलवार की। जब हमने रूल के युद्ध में हिस्सा लिया तो हमारे महाराज मारे गए और महारानी अकेली हो गई। उनका दिल टूट गया और वो राजगद्दी नहीं संभाल सकी। तुम्हारे पिता ने यह फैसला किया कि सर रोलैंड के नक्शे कदमों में चलने से बेहतर है एक लॉयर बनना, और महारानी उनकी मदद से राज्य चलाने लगी। पर हर बदलाव एक नए बदलाव को जन्म देता है। नए कानून और समझौतों ने पूरे राज्य को बदल के रख दिया। महारानी को लगा कि ऐसा करने से उन लड़ाइयों पर रोक लग जाएगी जिनकी वजह से महाराज मारे गए थे, और अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने उस नियम को लागू किया और राज्य में नाइट्स को गैर कानूनी घोषित किया। सब ने उनकी बात मानी सिवाय एक के। सर हरैक्लियो ने महारानी को कमजोर कहा और वकील पर कानून का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वो महारानी और रेजिनल्ड की तरफ बढ़ा, और जो दो नाइट्स कभी इस राज्य की रक्षा के लिए लड़ते थे आज आपस में लड़ने लगे। सर रोलैंड हरैक्लियो पर हावी हो गए। वो चाहते तो हरैक्लियो को जान से मार सकते थे, पर वो थोड़ा हिचकिचाए। मौके का फायदा उठा के हरैक्लियो ने सर रोलैंड की तलवार उन्हीं के सीने में भोंक दी, और इस तरह राज्य का सबसे महान हीरो अपने बेटे और राज्य को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। अफसोस, यही है हमारा इतिहास। मतलब सर हरैक्लियो के पास वो तलवार है
अब मैं उनकी तलाश करूंगा। इतनी जल्दी नहीं, पहले खुद को तो तैयार कर लो। वो एक महान योद्धा है और तुम एक छोटे नौसी ही है। वो तुम्हें कुचल देगा, तुम्हें मसल देगा। तो तुम्हारा जज्बा पसंद आया तो चलो, बहुत कुछ सीखना बाकी है। शाबाश सर, मुझे जाकर और सोना लाना होगा। लॉर्ड ब्रेजल हट यहाँ के सबसे अमीर इंसान है और वो अपनी बेटी मिस लारा के लिए जश्न रखने वाले हैं। आलीशान जश्न होगा, सब जगह इसी की बातें चल रही हैं। एक चोरी और ढेर सारे पैसे, ये काम बहुत आसान है और मुझे उसे मिलने का मौका भी मिलेगा। वो कमाल की है, कुछ लोग पैदा ही स्टाइलिश होते हैं। तो मैं जाओ, मैं करके बताता हूँ। जब मैं कहता हूँ वार करो तो तलवार पकड़ कर बस खड़े मत रहो, वार करो। चलो एक बार फिर से करो, और तुम चाहे जो करो पर प्लान पूरा होना चाहिए। मुझे लगा नहीं था कि जस्टिन हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ये उसके गुरु का कमाल है। अजीब बात है, अगली चाल तो मेरे पास 3 हफ्तों बाद आने वाली थी। ओ नहीं, उत्तर के भाइयों ने हेराक्लियो को देखा है। मुझे शक था वो वापस आएगा, लेकिन इतनी जल्दी। ओ नहीं, सारे नाइट चले गए हैं, राज्य की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं बचा, उसे कौन रोकेगा? मैं जाकर उन्हें रोकूंगा। ब्लूचा, तुम्हारी उम्र हो गई है। लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ, और जस्टिन मेरी मदद करेगा, वो तैयार है। नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। हेराक्लियो उसे बाएं हाथ से हरा देगा और तुम ये बात जानते हो। रोलिंड याद है ना? तो फिर हम क्या करें, राज्य में दूसरे नाइट्स को ढूंढें? बिल्कुल नहीं, इतना वक्त नहीं है। तो कोशिश करते हैं, हो सकता है वो कर पाए। ठीक है, पर अगर वो नाकाम रहा तो तुम उसे घर भेज दोगे। मैं उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। जस्टिन, चलो देखते हैं तुमने अब तक क्या सीखा। देखते हैं क्या तुम सामना कर पाते हो एक ड्रैगन का। पर आजकल ड्रैगन मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम सामना करोगे गुस्ताव का। तुम्हें तलवार से उसके सबसे नाजुक हिस्से पर वार करना होगा। ओह, मैं तो बहुत डर गया। अभी तो शुरुआत हुई है। Get
सुनो ब्राउलियो, आराम से, धीरज रखो। जस्टिन, जस्टिन, ये सांस नहीं ले पा रहा है। कहा गया शुक्रिया, ये तुम्हारी गलती थी। नाइट बनने के लिए कई खूबियों की जरूरत होती है, माफ करना पर तुम में वो खूबियां नहीं है। तुम्हारा भविष्य यहाँ नहीं है। लौट जाओ अपने पिता के पास। रोलैंड परिवार से अब कोई नाइट नहीं होगा। तुम कुछ कहना चाहते हो? रुको, मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो और बहादुरों को खतरों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं ले सकता, ये आपकी है। बहस मत करो। मैं यहाँ पाई खाने नहीं आया हूँ। स्ट्रॉबेरी पाई है, तुम्हारी फेवरेट। आपने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें भी तो नहीं रोका था जब तुम हर चीज के लिए नियम बनाने लगे थे, ऐसे नियम जिनसे लोग दुखी। वो नियम कोई भेदभाव नहीं करते, सबको एक साथ जीना सिखाते हैं, और वो नियम सच्चाई का साथ देते हैं। खुशियाँ और कानून का मतलब एक ही नहीं होता रेजिनल्ड। शायद तुम्हारा बेटा वो बातें समझता है जो तुम नहीं समझते। वो सिर्फ एक बच्चा है, वो बच्चों की तरह बर्ताव करता है। मैं अपने बेटे को उन बेहुदा नाइट्स के रास्ते पर नहीं चलने दे सकता। दोबारा कभी नाइट्स की बेइज्जती मत करना। तुम्हारे पिता भी एक नाइट थे। उन्हें देखकर अफसोस होता कि उनके बेटे की सोच कितनी छोटी और गलत है। अपने बेटे से बात करो, नहीं उससे बेहतर अपने बेटे की सुनो। कैसे?
वो यहाँ है ही नहीं। अगर तुम अपने बेटे को जानते तो तुम्हें पता होता कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो कहीं से भी आ जाएगा, लारा की पार्टी। नहीं, हमने कोई फॉर्म नंबर 238 नहीं भरा। तुम चाहो तो हमारे मालिक का इंतजार कर सकते हो, पर मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना, जस्टिन। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। तो क्या तुम अब एक नाइट हो? मैं फेल हो गया बुरी तरह। उन्हें कुछ नहीं पता। खैर, मैंने कोशिश तो की। हाँ, और यही तो तुम्हारी अच्छी बात है। वेटर, पानी लाओ। ओए, सुनो, हमारे कस्टमर यहाँ प्यासे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। क्या मुसीबत है, ये कौन है? अगर उससे पूछोगे तो बताएगा कि वो हर लड़की के सपने में आने वाला नाइट है, लेकिन मुझसे पूछोगे तो कहूँगी कि बेरुपया है। यही है एक्सलेंट क्लोरेक्स। एक नाइट जो अपने ऑटोग्राफ के बदले पैसे ले, वो असली नाइट नहीं हो सकता। मुझे तो एक और ड्रिंक देना वेटरेस, चाहो तो तुम्हें भी ऑटोग्राफ दे सकता। पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम अपने आप को महान समझते हो और तुम्हें अपनी शक्ल पर गुरूर है, पर मुझे तो लगता है कि तुम हो एक नंबर की। हिम्मत कैसे हुई सर क्लोरेक्स से बदतमीजी करने की? इसी वर्ष से माफी मांगोगी। हे, उसका हाथ छोड़ो। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं सर क्लोरेक्स, मेरे बंदे इसे सबक सिखा देंगे। ठीक है, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। सबक मैं सिखाऊंगा। लगता है की गई प्रैक्टिस काम आ गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हथियार के लिए शुक्रिया। वो हथियार नहीं है, हथियार इसे कहते हैं। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हैप्पी मील को लार्ज कर दूं? ठीक है, लार्ज कर देती हूँ। ओह नहीं, ओह। मैं तुम्हें निकालोगे? नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। तैयार। वाह, अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। ये बात मैं तुमसे कब से सुनना चाहती थी। इतना अच्छा कैसे लड़ लेती हो? मेरे भाइयों ने सिखाया है। लगता है तुम सब में बहुत प्यार है। तो नाइट को असिस्टेंट चाहिए? पर मैं नाइट नहीं हूँ, भूल गई। सुनो, अगर वो बंदर की शक्ल वाला नाइट बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? मैं नाइट नहीं बन सकता। तुम हार नहीं मान सकते। तुमने देखा हम कैसे लड़े। मैंने सबको निराश किया है, लारा को भी। लारा कौन है? वो लड़की जिसे पाने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने उससे वादा किया था कि नाइट बनकर मैं वापस आऊँगा और उसका मोजा लौटाऊंगा। उसका मोजा? मोजा कौन देता है? ये बहुत लंबी कहानी है। पॉपकॉर्न मंगवा ले। मैं एक नाइट बनना चाहता था, पर मैं हार कर वापस जा रहा हूँ। तुम जाओगे जरूर, पर अकेले नहीं, एक विज़र्ड और मेरे जैसी लड़की के साथ। तुम अपनी प्रिंसेस का दिल जीत लोगे। भाइयों और बहनों, मास्टर जस्टिन और चारिया और मेल्कियाडेस, महान जादूगर और जादुई शक्तियों का सरताज। भाइयों और बहनों, रुको और क्लोरियस, अंधेरों की शक्तियों का शहंशाह। इतनी लंबी पहचान मैं नहीं देने वाला। तुमने बताया था वो अमीर है। उसी के परिवार ने पैसों की खोज। वाह, वो रहा। मैंने कहा था वो यही मिलेगा। भाइयों और बहनों, लेडी लारा ब्रेजल हैट और उनके साथ ही सर्वशक्तिशाली, सबसे सबसे कूल और सीधे साधे बहादुर और नेक दिल सर क्लोरेक्स। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। लारा इसके साथ अच्छी जोड़ी लग रही है। हाय लारा, सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तुम वेट्रेस के साथ आए हो, यूनिफॉर्म के बिना बेहतर लग रही है। हेलो। बहुत सुंदर लग रही हो। जानती हूँ, काफी दिनों बाद दिख रहे हो। और वो लड़की कौन है? वो टालिया है। तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। और हाँ, इसके कपड़े हर ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम भी अच्छे लग रहे हो। काफी मेहनत चुकी है। उसने क्या कहा? तुम्हारी तारीफ कर रही थी। सॉरी, क्या उसे जलन हो रही है? हाँ बिल्कुल। माफ करना। बहुत बढ़िया। मेरे अगले जादू के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई आ गया है। कौन जाना चाहता है? उसे बढ़िया है। आ जाओ। रुको रुको। आपके मनोरंजन के लिए यहाँ आए हैं सीधे फ्रांस के महाराज के महल से। आपका दिल बहलाने के लिए सोटा ब्रदर। ये मुझे नहीं आता। जोकर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जा रही हूँ डेजर्ट सेक्शन में। आइसक्रीम ही अब मुझे बचा सकती है। आज की रात होगी चमत्कार की, एक्साइटमेंट की, और इसके लिए चाहिए बस आपका साथ। कौन मेरी मदद करेगा? ऐसा कोई जो सूली पर चढ़ने तैयार हो जैसे अमेजिंग मिस लारा। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो लारा को हर मुसीबत से बचाएगा। ओ, कितनी अच्छी बात। Come on, Justin, ये सिर्फ एक खेल ही तो है। मेरी रिंग कैसी लगी? Welcome to the circus. Ice cream, जल्दी। छोड़ो मुझे, जानवर कहीं के। छोड़ो उसे। मेरे बेटे से दूर रहो। डैड, नहीं डैडी आपको मार देंगे। मेरे बेटे को छोड़ दो। बॉयज, लॉयर की बात मान। वो बेहोश हो गया। कितनी सॉफ्ट स्किन है। अगर डैडी चाहते हैं कि उनकी बेटी कल ब्यूटी पार्लर जाए ना कि प्लास्टिक सर्जन के पास, तो कीमत है 10,000 गोल्ड कॉइन्स। उनके पास है 48 घंटे। यू आ गए सर क्लोरिस। सर क्लोरिस, एक नाइट। मेरे हीरो, मेरे बहादुर और जाबाज नाइट। तुमने तो कहा था राज्य में कोई भी नाइट नहीं बचा है। चलो चले। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। वो नाइट है तो क्या हुआ? उसे सामना करना होगा 3 बहादुर मुश्कंडों का जो उससे बिल्कुल नहीं डरते। मैं अभी उन दोनों को लेकर आता हूँ। और वापस मत आना, वरना मेरी तलवार से तुम्हारी जबान काट दूंगा। मेरा मतलब मेरी तलवार से। जस्टिन, तुम ठीक तो हो? जस्टिन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? डैड, मैं ठीक हूँ। तो आप हैं सर जस्टिन? हाँ, मैं तुम्हारे साथ सच में सुरक्षित रहूंगी। मुझे लगता है तुम्हारे डैड सही कह रहे थे, तुम्हें लॉ स्कूल ही जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ नहीं। मंक्स सही थे। प्लीज डैड, मुझे घर ले चलिए। तुमने उन जोकरों को देखा? तुम्हें देखते ही वो दुम दबा कर भाग। जानता हूँ, अक्सर बुरे लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। मैंने आज तक कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं सही है। बेइज्जती? 10,000 कॉइन्स? मेरे डैड इससे कई ज्यादा दे सकते थे। मेरे परिवार ने ही खोज की थी। पैसों की तुमने बताया था। मेरे डैड 50,000 कॉइन्स भी दे देते, शायद उससे ज्यादा, शायद लाखों कॉइन्स। लाखों? यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस? नहीं, 6 होते हैं डार्लिंग। तुम ठीक तो हो ना? ये मूव नया है। नया है। मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मुझे मजा आ रहा है। नहीं रुकूंगा।
चल मेरे घोड़े, हमें यहाँ से कहीं दूर ले चल। Sinners never sleep, wake up please with me. I don't wanna be alone, take my heart as yours. The hands are pulling me down, no sound, I'm drowned. Be, gotta be myself, I gotta be myself. No one else, gotta be myself for a while. मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, हम उस लड़की को ढूंढने का लेंगे। और कैसे? तुमने तो अभी तक उसे ढूंढना शुरू भी नहीं किया है। लापता शख्स की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। और उसे कुछ हो गया तो? लगता है सर क्लोरेक्स ही कुछ कर पाएंगे। चलो जस्टिन, अंदर आ जाओ। जस्टिन, मैं तुम्हें पार्टी में ढूंढ रही थी, तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ पहले ही चले जाना चाहिए था, लॉ स्कूल। शायद तुमने सुना नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी लारा पार्टी के बाद किडनैप हो गई थी। तुमने उससे वादा किया था ना जस्टिन? मेरा बेटा लॉ स्कूल जा रहा है, उसे जस्टिस अफसर ढूंढ निकालेंगे। हाँ, हाँ, वो दिख रहा है। इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। किसी को तो उसे ढूंढना होगा। ये बहुत खतरनाक है बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी है जस्टिन। प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जल्द वापस आऊंगा। शायद पार्टी के बाद वो तीनों वापस आए होंगे। मुझे वो लड़की दिख रही है, एक काले अंधेरे टावर में। वहाँ कुछ और भी है, मुझे बुराई की फौज भी दिख रही है। सर्वनाश होने वाला है दोस्तों। ठीक, मत मारो मेरी बात। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दोस्त। चलो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अरे नहीं, अब हम खो चुके हैं। तो क्या ये मेरी गलती है? और किसकी गलती हो सकती है? तुम ये तो जो रास्ता बता रहे हो, तुम्हें किसी से पूछना चाहिए था। पूछने के लिए यहाँ है ही कौन? इस वीरान जगह पर पत्थर से पूछूं क्या? और कितनी दूर है बताओगे? थोड़ी दूर है, थोड़ा सब्र रखो। बस सुरंग से बाहर निकल कर हमें दाएं मुड़ना है। अब फिर से दाएं और आगे बढ़ो, बढ़ते ही जाओ, सीधे जाओ। नया रास्ता ढूंढते हैं, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए। मुझे तो झरने दिख रहे हैं, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे काला टावर दिख रहा है। क्या? तो तुम्हें इस पर भरोसा है ना? हाँ। वो इतनी दूर क्यों आएंगे? मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो मेरी तीसरी आँख दिखा रही है। अपनी तीसरी आँख का नाटक बंद करो, वो नकली है। गाड़ी मंजिल तक पहुंच चुकी है। चलो मैं क्या सुनो तो रुको, मैंने यहाँ नक्शा बनाया है, पैर मत रखना, सर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं कहना, संभालना, गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी, वो सिर्फ एक पत्थर है। अगर अंधेरा हो जाए और हम वापस ना पहुंच पाए तो तुम गांव वालों को जाकर बता देना। नहीं, नहीं, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे उस प्राचीन आग उगलने वाले दानव को बुलाना चाहिए, वही दानव जो धरती के नीचे लावा के साथ रहता है मेरे इशारे के इंतजार में। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो गाँव वालों को बता देना। हाँ ठीक है, अपनी तीसरी आँख से या खुद जाकर।
क्या बात है, मुझे शांति चाहिए। सॉरी मैजी के दुश्मन। ये नहीं हो सकता, ये लोग, ये बेहूदा लोग, ये किसी काम के नहीं है। यही होगा अगर मैं तीन मस्खरों को वो काम करने के लिए दूं जो मुझे सैनिकों को देना चाहिए। अगर तुम इस लड़की को यहाँ लेकर नहीं आते तो सारा प्लान चौपट हो जाता। कल सुबह मेरी पूरी फौज पूरी तेजी के साथ राज्य की ओर बढ़ेगी। ये लोग कौन है और किस बारे में बात कर रहे हैं? सर, जब इनके डैडी पैसे देंगे। एक योद्धा कभी पैसों को अहमियत नहीं देता। अरे हाँ, तुम जरूर उन लोगों में से हो जो अपनी कमाई गरीबों में बांट देते हैं। सही कहा। मेरे गांव में अनाथ बच्चों का एक स्कूल है और उनके पास खाना नहीं है। उन मासूमों के हाथ इतने दुबले हैं कि वो खाने की प्लेट तक नहीं उठा सकते। अब मुझे याद आया, हम पहले बर्नवुड की लड़ाई में मिल चुके हैं ना? अब मुझे याद आया। जरा यहाँ देखो। जस्टिन, बर्नवुड में हम सिर्फ 100 थे और सामने 50,000 की सेना थी, लेकिन उन्हें जो मजा चखाया है हमने। क्या हुआ, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? 1, 2, 3, 4। लारा को मेरे हवाले कर। तुम? मैं जानती थी। बॉडी बिल्डर, जाओ पकड़ो उन्हें। मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, मेरे पास तलवार है और ये बहुत तेज है। डरपोक। पावर ऑन। अरे बेवकूफो, पोस्ट तो दो। पावर ऑन स्टाइल, पावर ऑन स्टाइल। देखो जोकर्स फिर आ गए। इन्हें वापस सर्कस भेजते हैं। चलो। लड़ाई में थोड़ी स्टाइल डालनी चाहिए, तुम आखिर एक लड़की हो ना। टोपी अच्छी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस पर खतरा करो। नहीं, वो उत्तर की ओर से आएगा। वो दक्षिण की ओर से आएगा। उत्तर, दक्षिण। एक मोटर को चार्ज ही नहीं था। मैं तुम्हें मरोड़ दूंगा। कला छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम उसे खुद पर हुकुम क्यों चलाने देते हो? हमला करो उस पे, हमला करो बेवकूफ। सर, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना हथियार दे सकते हैं? प्लीज। माफ करना दोस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया किस बात का? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ? बार बार अच्छी है पर तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उसे अकेला छोड़ो। आपका फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पावर तो महसूस करता है। हे, तुम ठीक तो हो? हाँ। अच्छा लड़े।
सर हराक्लियो, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम पैदा हुए थे। मेरा नाम जस्टिन है और मैं जानता हूँ आप कौन है और आपने क्या किया था। तुम उनकी मौत के जिम्मेदार गलत इंसान को समझ रहे हो। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, इसलिए मेरा साथ दो ताकि आप महारानी की जगह ले सके। मैं जानता हूँ आपका मकसद यही है ना? ठीक है, अगर मेरी फौज में शामिल नहीं होते तो उसका सामना करो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्या? था मेरा मतलब है मैं इन सबको अकेले संभाल सकता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। क्या हमें नहीं मजा चखा? हाँ चलो शुरू करते हैं। उसे हमारी जरूरत है। हाँ सही कहा, मैं एक हूँ, अनेक बन रहा। आके दानव, धरती फाड़ कर बाहर आओ, मेरे बुलावे का जवाब दो और हमारी मदद करो। हमने कर दिखाया। एक बच्चा और इतने आदमी। ब्लूचा, लगता है मैं सही वक्त पर आ गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जस्टिन काफी जल्दी लड़ाई सीख चुका है, रैकियो तुमसे भी जल्दी। और मेरी फौज को कौन रोकेगा? तुम? और नहीं तो क्या। ये एक मामूली मगरमच्छ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ तुम और मैं यहीं पर इसी वक्त बूढ़े हो गए। एक बार सामना तो करो, पता चल जाएगा। तुम लोगों को आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं हम सबके लिए लड़ रहा हूँ। उन्हें उससे निपटने दो। महल में पड़े पड़े तुम्हें जंग लग चुका है। मैंने राज्य की रक्षा की और तुमने धोखा दिया। मैं वही कर रहा हूँ जो हमारे लिए सही है। तुम्हारा ये झूठ मुझ पर नहीं चलने वाला, तुम बच नहीं पाओगे। सोचा नहीं था हमारी दोस्ती ऐसे खत्म होगी। नहीं, मुझे जान से मार दो हराकियो। मैं एक नाइट हूँ और तुम नाइट के हत्यारे। ब्लूचा, बस जरा सी खरोच लगी है और कुछ नहीं हुआ। तुम अपने काम को अंजाम दो बेटा। पर मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। शायद जल्दी में हो तुम, डरपोक। जैसा तुम चाहो। मैं हमेशा से जानती थी तुम बेवकूफ हो। मैं औरतों से नहीं लड़ता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मुझे वार्म अप करना है। और इस तरह नाइट इन शाइनिंग आर्मर असल में निकला एक ब्लैक नाइट। जाहिर है कि ब्लूचर ने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया। मान जाओ, तुम में वो बात नहीं है। ये आपको मैं अभी बताता हूँ।
ज्यादा देर बैठने की मत सोचना, ये कुर्सी मेरी है। शुक्रिया, ये भी मेरी अमानत है। कल इस राज्य का एक नया बादशाह होगा जो रास्ते के हर कांटे को उखाड़ फेंकेगा। आप इस मिट्टी पर कभी नहीं बैठ पाएंगे। पहले मेरे ग्रैंडपा ने रोका था, आज मैं रोकूंगा। यहाँ जो भी हुआ है सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। झूठ है। और ये तलवार मेरे परिवार की है। तो आकर मुझसे ले क्यों नहीं लेते? बड़ी नेकी दिखा रहे हो। अच्छा लड़ते हो, तुम अपने दादा की तरह। उनका नाम अपने मुंह से दोबारा मत लेना। रुको रुको, मैं चाहता था कि नाइट्स राज्य में वापस आ सके। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, मेरा साथ दो। ये इंसाफ की लड़ाई है। जबरदस्ती खुद को राजा कहलवाना इंसाफ नहीं है, इससे तो अच्छा है मर जाना। जैसा तुम चाहो। तुम्हारे पास मौका था, पर अब तुम नहीं बचोगे बच्चे। यही है, तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं उनकी करूंगा तुम्हारी जान लेकर। वाह क्या बात है, तुमने मरते दम तक अपने दादा की तलवार नहीं छोड़ी, पर अब ये मेरी होगी और इसी से मैं तुम्हारे पिता को खत्म करूंगा। ये कभी नहीं होगा। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं होगा। मुझे मिल गए, शायद ये पत्ते काम आएंगे। इसे घाव पर लगाना है हल्के हाथों से। ये तभी काम करेगी जब इस पर हाथ होंगे जादूगर के और एक असली नाइट के। पर मैं नाइट नहीं हूं। तुम हो। प्लीज प्लीज सर ब्लूचर। अरे नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए सर ब्लूचर। वो चले गए। कौन थे ये? ये मेरे दादाजी के मेरे अच्छे दोस्त थे। नहीं, मैं अब भी जिंदा हूँ। तुम कामयाब रहे। मैं जानता था तुम ये कर पाओगे। ये लड़का आखिर कहाँ रह गया? अब बनाइए असली लाइट।
जस्टिन, तुमने अपनी बहादुरी और नेक दिली से इस राज्य को बचाया है और इसलिए तुम्हें दिया जाएगा सबसे ऊंचा सम्मान, एक नाइट का। पर ऐसा करना गैर कानूनी ना हो इसलिए पहले हमें वो कानून रद्द करना होगा जिससे नाइट्स पर रोक लगी थी। इसके लिए हमें चाहिए 2 दस्तखत। वक्त आ गया है हमारी गलती को सुधारने का। क्या वो साइन करेगा? पता नहीं, देखते हैं। अच्छी नहीं लगता। बेटा, वो मेरी आंखों के सामने मरे थे। अगर इस कागज पर दस्तखत करने के बाद मैंने तुम्हें भी खो दिया तो? रुकिए, ये क्या? नाइट बनना मेरे लिए गर्व की बात है, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पिता के लिए नहीं। अब मेरा बेटा जस्टिन बच्चा नहीं रहा है। अगर मैं ये नहीं समझा तो मैं इसे सच में खो दूंगा। ये हुई ना बात। जस्टिन, क्या तुम नाइटहुड की जिम्मेदारी लेकर अपने राज्य को हमेशा सुरक्षित रखने की कसम खाते हो? ये तलवार तुम्हारी ताकत बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें नेक दिल होना होगा। कभी बुराई के लिए या गुस्से में इसे इस्तेमाल मत करना। हमेशा मासूमों की रक्षा करना। इन शब्दों को याद रखना, ये शब्द नहीं तुम्हारे वचन है, इसे कभी मत तोड़ना। अब से तुम कहलाओगे सर जस्टिन। मैंने वादा किया था कि मैं नाइटहुड तुम्हारे लिए हासिल करूंगा। मेरी ये जीत तुम्हारे नाम है। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अब मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ। पता नहीं क्यों मैं पहले समझ नहीं पाया, मेरे लिए तुम इतनी अच्छी दोस्त थी कि मैं किसी और नजर से तुम्हें देख ही नहीं पाया। पर क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? उस रात पूरे राज्य में जश्न का माहौल था और सर जस्टिन को अपनी मोहब्बत मिल गई। उनकी इस खुशी में वो अकेले नहीं थे, और भी कई शामिल थे। वहाँ ऊपर सितारों में सारे हीरोज, पुराने नए और भविष्य के, सभी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है, जस्टिन ने कर दिखाया, क्योंकि उसके सभी गुरु जबरदस्त हैं। और हाँ, नाइट्स का दौर फिर से शुरू हो गया है। सही कहा लेगेंटियर, ये एक नए युग की शुरुआत है। नया युग, नए हीरोज के लिए। Spend your life going round the world, trying to find your calling. We can.
शुक्रिया।